Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are fine and safe at your place. So, हम करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट एंड आज है सैटरडे एंड आई नो काफी ज्यादा एको आ रही है रूम में क्योंकि रूम के जो कर्टन्स है वो मैंने वॉश किए थे एंड वो ड्राई हो रहे हैं. जैसे वो ड्राई हो जाएंगे मैं उनको वापस से लगा दूंगी तो एको खत्म हो जाएगी. सो आज सैटरडे है, कुलप्रीत का वीक ऑफ है तो हमने कुछ चीजें स्केड्यूल करी हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है शैनन की आज वैक्सीनेशन, क्योंकि बच्चों को ना तीन फ्लू की वैक्सीनेशंस लगती हैं. तो एक लग चुकी है जब आई थिंक मार्च में लगी, लास्ट मार्च में जब वो 1 ईयर की होने वाली थी, तो मतलब 1 ईयर से पहले लगी है. तो अभी 2 ईयर्स की नेक्स्ट मंथ हो जाएगी तो उससे पहले उसको एक वैक्सीनेशन सेकेंड वाली लगनी है. मतलब हम उसके लिए आई थिंक 1-1.5 महीना लेट है, बट मुझे नहीं पता था यार, वो काफी नीचे लिखा था और मुझे नहीं पता था. और कुछ व्लॉग्स पहले मैंने बात करी थी अबाउट चेंजिंग द डॉक्टर ऑफ शैनन, क्योंकि जब से डॉक्टर काबा की डेथ हुई है डॉक्टर काबा के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी शैनन. लाइक उनको ना बच्चों को कंफर्टेबल रखना एंड देन उनको ट्रीट करना एंड देन उनको वैक्सीनेशंस ये करना, तो वो बहुत कंफर्टेबल रखते थे बच्चों को. लेकिन अभी जो है अभी जयपुर गोल्डन के डॉक्टर हैं आई थिंक, वो नाम मुझे याद नहीं है बट ही इज वेरी गुड. लाइक वो डॉक्टर काफी अच्छे हैं, मैंने उनसे बात करी है बट आई डोंट नो, शी इज नॉट सो कंफर्टेबल. अब मुझे ये देखना है कि वो सब डॉक्टर्स के साथ ऐसे ही रहती है, लाइक क्या है आई डोंट नो. बट सो आई थॉट टू जस्ट चेंज द डॉक्टर, देखते हैं. तो अभी जिस डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ वो है डॉक्टर गौरव सेठी एंड घर के काफी पास है, लाइक 5-7 मिनट का रास्ता है. तो उनके बारे में मैंने काफी सुना है, वो सेकंड ओपिनियन थे मेरे. लाइक जब मैं पहले जेनेसिस जा रही थी तो सेकंड लाइक पीडियाट्रिशियन के बारे में बात करी तो मेरे सेकंड ओपिनियन में डॉक्टर गौरव सेठी थे, मुझे काफी ढंग से पता है. तो अब उनके पास मैं जाऊंगी वैक्सीनेशन के लिए. तो मैं उनके पास लाइक पता करने गई थी, वो चीज मैंने शूट नहीं की है, मैं पता करने गई थी अबाउट वैक्सीनेशन. तो मुझे पता लगा कि फ्लू की भी एक पेंडिंग है, लाइक सेकेंड जो होता है, तीन लगती हैं तो ये सेकेंड लगेगी, थर्ड नेक्स्ट ईयर लगेगी जब 3 इयर्स की होने वाली होगी उससे पहले लगेगी. ओके तो उसके लिए मुझे जाना है वैक्सीनेशन के लिए. तो मैंने सोचा कि जस्ट यहां से मैं लगवा के देखती हूँ तो फिर देखते हैं डॉक्टर के साथ कैसे बॉन्डिंग. लाइक एक आई थिंक सो जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनको बच्चों को पहले कंफर्टेबल करना चाहिए एंड देन कई सब बच्चों का वैसे अलग अलग होता है, आई डोंट नो बट हाँ शायद मैं ये मेरा ओपिनियन है आई थिंक सो. तो अभी हम जाने लगे हैं थोड़ी देर में, रेडी वेडी होके मैं जाऊंगी शैनन की वैक्सीनेशन लगवाने के, सबसे पहला काम वो है. उसके अलावा मुझे आई थिंक मुझे जनकपुरी जाना है कुछ काम से, वो भी देखता हूँ. मुझे लगता नहीं वो हो पाएगा क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद शैनन को पहले थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा एंड ऑल्सो वी हैव अ डिनर इन्विटेशन टूडे, हमें डिनर पे भी जाना है. एक मेरी सिस्टर ने इनवाइट किया है, उसकी 6 मंथ एनिवर्सरी है, 6 मंथ हो चुके हैं उसकी मैरिज को, तो हमें वहां पे भी जाना है. तो आई थिंक सो एक ही काम हो पाएगा मेरा आज, वैक्सीनेशन का ही हो पाएगा. उसके बाद मुझे रेडी भी होना है और फिर हमें इनविटेशन डिनर पे जाना है. तो चलो पहले हम वैक्सीनेशन लगवाने चलते हैं, बातें तो हमने कर ली है तो फटाफट चलते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए एंड देखते हैं कि शैनन कंफर्टेबल हो पाती है नहीं. सो नाउ मैं होने लगी हूँ रेडी एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे. सो वी आर बैक एंड बहुत ज्यादा गर्मी है यार, बहुत ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है. सो मैंने तो आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज करे बिकॉज आई कैन नॉट बी इन द क्लोज, यू नो स्वेटी क्लोथ्स मुझे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है. सो ओके पहली चीज, शैनन वॉज नॉट कम्फर्टेबल. वो डॉक्टर के कैबिन में एंटर करते ही वो इतना रोई है, जब वो उसकी लेंथ भी वो कर रहे थे, हाइट सॉरी मेजर कर रहे थे, बहुत रोई. उसको बहुत मुश्किल सेटल डाउन किया और कोई उसका मैंने शॉट नहीं लिया. उसके बाद आपने देखा होगा मैंने कोई शॉट नहीं लिया बिकॉज कुलप्रीत और मैं सिर्फ
लगे हुए थे कि हम उसको सेटल कर दे, चुप हो जाए। फिर वैक्सीनेशन लगवाए, हम लोग वहां से निकल आए थे। डॉक्टर के साथ मैंने काफी बात करी है अबाउट ग्रोथ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो डॉक्टर इज गुड, आई थिंक डॉक्टर इज गुड, बट बाकी एक बारे में हम लोग नहीं बता सकते। तो डॉक्टर इज गुड बट शेरन वॉज नॉट कम्फर्टेबल, सो लेट्स सी हम लोग दोबारा वहां जाते हैं हम नहीं जाते हैं। बट शेरन का फ्लू सेकेंड वाला जो फ्लू का वैक्सीनेशन है वो हो चुका है। अब फ्लू का वैक्सीनेशन सीधा लगेगा जब 3 ईयर्स की होने लगेगी। तो यस, अभी मैंने पहले बोला था मेरा एक ही काम हो पाएगा, सो वो ही हुआ है सिर्फ वैक्सीनेशन का, और अभी मैं होने लगी हूँ रेडी। और बाहर बारिश भी आ रही, तो थोड़ी सी बारिश आती है फिर काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है यार, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सो अभी बारिश भी आ रही है, लेकिन हमें बहुत पास में जाना है तो हमें कोई इश्यू नहीं है बारिश से। तो अभी मैं होने लगी हूँ रेडी, एंड इससे पहले तो अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी। और मेरे बाल बहुत बेकार हो रहे हैं, मतलब मेरे को 3 ईयर्स हो चुके हैं अपने बालों पे कुछ भी, यू नो क्या कहते हैं, स्मूथनिंग या कुछ भी करवाए हुए, तो बिल्कुल ही ना फ्लफी और बड़े गंदे से बालों पे। बट कोई बात नहीं, हम लोग बनाएंगे छोटा सा कोई हेयर स्टाइल, देखती हूँ मैं कुछ तो अपने बालों को बस सेट करूँ, क्योंकि मेरे बेबी हेयर्स है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड मैं अभी रेडी होंगी, और जो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूंगी वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। एंड यस दैट्स इट, अभी हम फटाफट रेडी होते हैं, टाइम ही है रेडी होके, एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं। चलो हो गया, हूं नहीं लैनी मैं। ए की है? ओ लैंप है, लैंप है, लैंप है। मतलब तू देनी नहीं सी। वन टू थ्री दे दे बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी, 6 महीने 6 मंथ्स। हाँ तू काउंटिंग कर ला पूरी, आगे आगे पूरी काउंटिंग। सो वी आर बैक, हम लोग आ चुके हैं वापस डिनर से, एंड हम लोग 1 बजे घर पे आए हैं, अभी 2 बज रहे हैं। सो आते ही हम लोगों ने लाइक चेंज वेंज किया एंड शेरन को सुलाया, क्योंकि वो थक गई थी, आई थिंक आज थोड़ा थक गई है ना, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी सो गई है। बट पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है 1-1.5 बजे सो जाएगी एंड देन फिर वो 4-5 बजे उठ जाती है, फिर खेलेगी थोड़ी देर, खेलती है लाइक, फिर बाद में सोती है। मतलब कोई एक रूटीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग रूटीन नहीं बना रहे हैं शेरन का, वी ट्राई, हम लोग करते हैं बनाते हैं। बट ठीक है यार, बच्चे को अभी कितना ही हम लोग फोर्स करें कि नहीं ऐसा करना वैसा, ठीक है जब स्कूल वगैरह जाएगी या जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह जाएगी तब अपने आप बन जाएगा बच्चे का, अपने आप ही जैसे जैसे करेगा वैसे बन जाएगा। मैं शेरन को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती हूँ यहाँ टाइम पे सोना या किसी चीज़ के लिए, अभी लाइक छोटी है, ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चले, एंड देन जब स्कूल जाने लगेगी तो अपने आप ही रूटीन बन जाएगा। तो बच्चे को आपको कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए टू मेक अ रूटीन, टू लाइक एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो ग्रोथ पे भी कभी भी नहीं
मतलब बच्चे को कुछ भी की रहे हाई उसका वेट इतना है या इसका वेट इतना है, कम है ज्यादा है, कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज सब बच्चों की ग्रोथ अपनी अपनी, मतलब सबकी अपनी अपनी ग्रोथ होती है बच्चों की, ठीक है ना। तो यस ये चीज एंड वो भी सो गई है, सो लेट्स सी वो कब उठेगी। तो हम भी थोड़ी देर में अभी सो जाएंगे, मैं थोड़ा सा काम वाम करके, क्योंकि जब बच्चा सो जाता है तभी हमको काम करने को मिलता है, थोड़ा काम करके एंड देन उसके बाद वी ऑल्सो स्लीप। तो हम लोग वहां से आ गए थे एंड इट वॉज रियली गुड, मतलब हम लोग सब जब भी मिलते हैं मैं देखा हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। एंड हम लोग प्लान कर रहे थे वाटर पार्क का, तो वाटर पार्क का प्लानिंग तो चल रही है हमारी वाटर पार्क जाने के लिए, सो लेट्स सी फाइनलाइजेशन कब होती है। सो यस दैट्स इट, अभी मैं इस व्लॉग को करूँ यहाँ पे एंड एंड आई सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग सुपर सून, टिल देन टेक केयर बाय। एंड ऑल्सो मैंने अभी जस्ट जैसे मैं अपनी क्लिप्स वगैरह देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि मेरी जब मैं रेडी हो रही थी उसकी मैंने पूरा शूट किया था, बट वो पता नहीं यार कब बंद हुआ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना जल्दीबाजी में, तो वो शूट तो नहीं हो पाया, मतलब कि वो पूरी क्लिप तो नहीं होगी। बट येस मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन में उसको आपको सारे के सारे लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। एंड येस आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो नाउ, बाय।